के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार सतर्क हो गई है, जिसके चलते हरियाणा के झज्जर में कोरोना संक्रमण चक्र को तोड़ने के लिए हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा। साथ ही सुरक्षात्मक चक्र बनाते हुए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। वहीं जरूरतमंद लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा। हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के माध्यम से भी जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहयोग दिए जाने की पहल की जा रही है। यह जानकारी डीसी जितेंद्र कुमार की ओर से दी गई। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता में झज्जर जिले के लोगों को संयम और धैर्य के साथ कोरोना से दूरी बनाने की अपील की। साथ ही कहा कि स्वयं की जागरूकता ही कोरोना की चेन को तोड़ने में बेहद मददगार रहेगी। डीसी ने बताया झज्जर जिला में कोरोना मरीजों के निजी अस्पताल में असुविधा न हो, इसके लिए पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी अस्पताल के गेट पर निर्धारित दरों की सूचना आमजन के लिए लगाई गई। उन्होंने बताया शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन प्रक्रिया कोरोना संक्रमण चक्र को तोड़ने के लिए चल रही है। जैसा कि अब ऑलमोस्ट इसका सेकंड फेज हम कहें कोविड का, वो आ गया है, जिसमें से अर्बन एरिया के अंदर जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है वो कम हो रहा है, लेकिन रूरल एरिया में बढ़ रहा है। रूरल एरिया के अंदर इसको जितना जल्दी कंटेन करेंगे उतनी ही हमें बेहतर कामयाबी मिलेगी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि दो टीयर होंगे। नंबर वन, हर गांव के लिए हमने एक एक टीम बना दी है, जिस टीम के अंदर चार सदस्य हैं, एक वहाँ की आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, टीचर है एक, और एक हमारा वहाँ का ग्राम सचिव है। बता दें झज्जर जिले में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत निरंतर कोविड मरीजों की संख्या में कमी आ रही है।